अगर अल्कोहल्स में मैं कोई नेम रिएक्शन ढूंढता हूं तो सिर्फ एक नेम रिएक्शन मेरे को दिखता है बेटा, और वो है बड़ा अजीब सा, जिसका नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन अजीब सा नाम, नेम रिएक्शन का नाम ही डरावना सा लग रहा है, लेकिन है कुछ भी नहीं इसमें। देखो लिखने के लिए आपको आएगा नहीं, लिखने के लिए आपको आएगा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। करना ये होता है कि 3 मोल ना कोई अनसिमिट्रिकल अल्कीन लेते हैं, 3 मोल कोई अनसिमिट्रिकल अल्कीन के लेते हैं बेटा। और 3 मोल जब आप कोई अनसिमिट्रिकल अल्कीन के लेते हो, जैसे प्रोपीन के लेते हो, तो इसमें ना H2B2H6 ऐड होता है बेटा। H2B2H6 ऐड करके जो बीच में इंटरमीडिएट बनता है ना, वो इंटरमीडिएट बनता है बेटा, ये CH3CH2CH2 का होल 3B, ठीक है ना। ये जो बनेगा ना बेटा, ये बनेगा एक इंटरमीडिएट। क्या नाम बताया बेटे मैंने इसका? मैंने इसका नाम बताया आपको ट्राई प्रोपाइल बोरेन, ठीक है। सबसे अजीब दुनिया का नेम रिएक्शन कौन सा है बेटा? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। फिर जब ये ट्राई प्रोपाइल बोरेन बनता है, जब इसमें हम आगे H2O2 और अल्कलाइन मीडियम ऐड करते हैं, H2O2 इन OH-, तो ना ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और बन जाते हैं 3 मॉलिक्यूल्स प्रोपेन 1 ऑल के, ठीक है। 3 मॉलिक्यूल्स किसके बन जाते हैं बेटा? प्रोपेन 1 ऑल के। मतलब मैं समझा देता हूं आपको, यहां पर हुआ क्या कि यहां पर जो 3H थे वो यहां चले गए, जब 3H यहां पर गए तो और बोरोन कहां चला गया? यहां चला गया। ये ना 3 मॉलिक्यूल को जुड़ गए। पहले जो 3 मॉलिक्यूल लिखे हुए हैं वो अलग अलग 3 मॉलिक्यूल हैं, जो उसके बाद लिखे हुए हैं वो जुड़े हुए 3 मॉलिक्यूल हैं। ये एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंगली हुआ है। किसके अकॉर्डिंगली हुआ है? एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग हुआ है। एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल कैसे? इसमें एच वहां जा रहा है जहां पे एच की कमी है। आंटी आंटी मार्कोनिक ऑफ रूल मैं इसको बोलता हूं, क्योंकि आंटी जी वहां पे एच को भेजती हैं जहां पे एच की कमी होती है। फिर ये टूट गया। पहला स्टेप है हाइड्रोबोरेशन। पहला स्टेप क्या है? हाइड्रोबोरेशन। कैसे? पहले स्टेप में हाइड्रोजन भी ऐड हुआ है और बोरोन भी ऐड हुआ है। और अगला स्टेप क्या है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो गया ना, अगले स्टेप में ओ ऐड हो गया ना उसमें, और वो टूट गया। अब अंदर की राम कहानी में आप पढ़ोगे, अपने आप को परेशान करोगे, आपको सिर्फ याद रखना है कि B2H6 ऐड करना होता है पहले स्टेप में। अगले स्टेप में क्या ऐड करना होता है? H2O2 और OH- ऐड करना होता है, और इससे अल्कीन से अल्कोहल बनता है। इससे अल्कीन से अल्कोहल बनता है। कैसे? रूल के अकॉर्डिंग, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग। मतलब 1 पे आया करेगा OH। किस पे आया करेगा? 1 पे। ये ज्यादा पेपर में नहीं आता था, उतना आपने भी पेपर दिए हैं, आपने भी देखा है, बहुत ही रेयर आपने इसको देखा होगा। है तो कर रहे हैं, है ना भाई? है तो कर रहे हैं, क्योंकि ना एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल HBr पेरोक्साइड से भी हो जाता है ना, इसलिए इसकी इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है। है तो करना है। दूसरा जो बच्चों नेम रिएक्शन है, अल्कोहल में मिलता ही नहीं है। पूरा अल्कोहल चैप्टर आप पढ़ के देख लो, अल्कोहल सिर्फ, उसमें नेम रिएक्शन ही नहीं मिलेगा आपको। प्रिपरेशन में सिर्फ ये प्रिपरेशन का है, और केमिकल प्रॉपर्टी में कोई नेम रिएक्शन है नहीं। फिर भी मैं जबरदस्ती ऐड कर रहा हूं, जबरदस्ती ऐड कर रहा हूं, उसका नाम रख रहा हूं लुकस टेस्ट। क्या नाम है? लुकस टेस्ट। लुकस टेस्ट का टेस्ट भी हो जाएगा और नाम का नाम भी हो जाएगा, जबरदस्ती ढूंढ ढूंढ के ला रहा हूं। लुकस टेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लुकस टेस्ट क्या करता है बेटा? लुकस टेस्ट इज यूज टू, लुकस टेस्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल्स। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल्स कैसे करता है बेटा? ये हमारे पास एक प्राइमरी अल्कोहल है, फिर उसके बाद ये हमारे पास एक सेकेंडरी अल्कोहल है, और फिर उसके बाद मैं एक और बना रहा हूँ। कौन सा अल्कोहल बना रहा हूँ बेटा? मैं एक टर्शरी अल्कोहल बना रहा हूँ। तो टर्शरी अल्कोहल में लुकस टेस्ट सबसे जल्दी होता है। लुकस रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? एनहाइड्रस ZnCl2+HCl होता है। टर्शरी के अंदर रिएक्शन सबसे जल्दी होता है। इसमें OH की जगह क्या आ जाता है? OH की जगह क्या आ जाता है? इसमें Cl आ जाता है। इससे इतना फर्क नहीं पड़ता कि उसकी जगह पे Cl आ जाता है, फर्क इस बात से पड़ता है कि ये वाटर में इनसोल्यूबल है, इसकी वजह से टर्बिडिटी आ जाती है। टर्बिडिटी अपीयर्स
इमीजिएटली बेटा, टर्बिडिटी यानी कि मिल्कीनेस यानी कि प्रेसिपिटेट बहुत जल्दी आ जाता है बेटा, ठीक है ना। टर्बिडिटी अपीयर्स इमीजिएटली, एक बार दोबारा बता देता हूँ, टॉपिक का नाम क्या है, लुकस टेस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल के बीच में क्या करना, डिस्टिंग्विश करना। इसमें अब ऐसा तो क्वेश्चन आएगा नहीं ना, अब जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, क्या आएगा बेटा, और 3-2-1 ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है, 3-2-1, ठीक है। या फिर ऐसे आ जाएगा कि हम दो अल्कोहल दे देंगे और आपको बोलेंगे कि इनको डिस्टिंग्विश कैसे करें, सेकेंडरी के अंदर टर्बिडिटी आती है आफ्टर 5-10 मिनट्स, ठीक है, और प्राइमरी के अंदर तो टर्बिडिटी आती ही नहीं है, प्राइमरी के अंदर टर्बिडिटी आती ही नहीं, ठीक है। टर्बिडिटी होता है मिल्कीनेस, ठीक है, हाँ ठीक है, नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर। तो ये हमारा कौन सा टेस्ट था बच्चों, ये लुकस टेस्ट था, ठीक है ना भाई। देखो नेम रिएक्शन ढूंढ रहे थे हम, नेम रिएक्शन ढूंढते ढूंढते हमें नेम रिएक्शन तो मिला नहीं, लेकिन एक नाम मिल गया, लुकस टेस्ट। मैंने कहा चलो ये भी साथ में करा देते हैं। लुकस टेस्ट में क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल के बीच में क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं, एनहाइड्रस ZnCl2 HCl ऐड करते हैं जब, एनहाइड्रस ZnCl2 और HCl ऐड करते हैं जब, तो उस केस में एक छोटी सी गलती हो गई, यहाँ H लगा दिया था बेटा, सॉरी, टर्बिडिटी जो है वो एकदम से आ जाती है। पॉइंट टू बी नोटेड, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है, 3 degree, 2 degree, 1 degree। किसी भी रिएक्शन में जहां पर ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होता है ना, किसी भी रिएक्शन में जहां ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होता है, समझ जाओ कि जो रिएक्शन के बीच में बना होगा वो एक कार्बोकटायन होगा, क्या होगा, कार्बो। किसी भी रिएक्शन में, एक्चुअली इसकी वजह ही यही होती है, दो तीन रिएक्शन है ऐसे, हाँ, दो तीन रिएक्शंस हैं ऐसे जहां पर ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी क्या होता है, 3 degree, 2 degree, 1 degree, वहां पर इंटरमीडिएट कौन होता है, कार्बोकटायन। इंटरमीडिएट मतलब रिएक्शन के बीच में जो बनता है, क्योंकि कार्बोकटायन की ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ये होता है, इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये बन जाता है। यही ऑर्डर, अब बातों की बात चल रही है तो चलने दो इंपॉर्टेंट बातों को। सेम ऑर्डर कहां चलता है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में चलता है। सेम ऑर्डर कहां चलता है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में चलता है। सेम ऑर्डर कहां चलता है, अब मैं जब सारी बातें कर रहा हूं तो मैं एज अ जनरल ऑर्गेनिक कर रहा हूं। सेम ऑर्डर कहां चलता है, SN1 में चलता है। सेम ऑर्डर कहां चलता है, एलिमिनेशन रिएक्शंस में चलता है। कहां चलता है, एलिमिनेशन मतलब एक और एग्जांपल एलिमिनेशन का होता है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन वाला कौन सा रिएक्शन होता है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन वाला रिएक्शन होता है अल्कोहलिक KOH वाला रिएक्शन। कौन सा होता है बेटा, अल्कोहलिक KOH वाला रिएक्शन, ठीक है ना। तो देखो डिहाइड्रेशन है हटना, डिहाइड्रेशन भी एक कैसा रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है, एक एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो मैंने आपको क्या समझाया, मैंने कहा ऐसा है कि 3-4 ऐसे रिएक्शंस हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है, 3-2-1, जैसे कि लुकस टेस्ट, जैसे कि डिहाइड्रेशन, जैसे कि SN1, जैसे कि हाँ, जैसे कि डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। इन सब के अंदर ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी क्या है, 3-2-1। एक तो ये बात इंपॉर्टेंट पता लग गई, उसका रीजन पता लग गया कि इन सब के अंदर क्या बनता है, कार्बोकटायन। या तो रिएक्शन आएगा जी ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी वाला, डिहाइड्रेशन में आए, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन में आए, लुकस टेस्ट में आए, SN1 में आए, ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी क्या है, 3-2-1, चाहे अल्कोहल हो चाहे हैलोल के, है ना। और सबका रीजन क्या है, कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी घट रही है, इसलिए वापस चलते हैं। बात किसकी चल रही है, नेम रिएक्शन की चल रही है। कौन सा करा दिया, लुकस टेस्ट करा दिया। एक रिएक्शन ऐसा है जो NCERT में है तो नहीं, लेकिन बहुत क्लोजली उसकी बात होती है, वो कौन सा है, आइडोफॉर्म टेस्ट। कौन सा है, ये NCERT में नहीं है, लेकिन इसको ना हटा नहीं सकते तुम ऑर्गेनिक में से। ये जो है ना, गिवन बाय स्पेशल एल्कोहल्स, दिस रिएक्शन इज गिवन बाय
स्पेशल एल्कोहल्स, ये सारे दुनिया के एल्कोहल्स नहीं देते, ये जो रिएक्शन है ये सारी दुनिया के अल्कोहल्स नहीं देते बेटा, ये रिएक्शन जो है ना वो देते हैं सिर्फ वो अल्कोहल जिनके पास ये चीज होती है, सिर्फ वो अल्कोहल जिसके पास ये चीज होती है, CH3CHOH, एक तरफ कुछ भी हो, एक तरफ चाहे आर हो चाहे एक तरफ क्या हो एच हो, ओनली दोज अल्कोहल विच हैव दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर CH3CHOH गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है ना। ऐसे आपको क्वेश्चन पक्का आएगा कि इनमें से कौन सा आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, इनमें से कौन सा आयोडीन और NaOH से रिएक्शन करता है, ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में आ जाते हैं। I2 और NaOH के रिएक्शन से क्या बन जाता है, आयोडोफॉर्म बनता है, क्या बनता है बेटा आयोडोफॉर्म। देखो आपको ऐसे नहीं बोलेंगे कि इनमें से कौन सा आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, आपको बोलेंगे इनमें से कौन सा आयोडीन और NaOH के साथ मिलकर येलो प्रेसिपिटेट बनाए। तो आप देखना जिसके पास ये चीज हो, कैसी चीज हो, CH3CHOH, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि 1 डिग्री अल्कोहल में से ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ कौन देता है, इथेनॉल देता है। 2 डिग्री में ऑलमोस्ट सारे ऑल टू ऑल्स, ठीक है, और 3 डिग्री कोई भी नहीं देता, कोई 3 डिग्री ये रिएक्शन नहीं करता। आपको क्वेश्चन आएगा आउट ऑफ दिस, आउट ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल्स विच फॉर्म्स येलो प्रेसिपिटेट विद आइडोफॉर्म, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। आप बोलो जी इथेनॉल। आपको आएगा प्रोपेन टू ऑल, पेंटेन थ्री ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल देता है, मतलब टू ऑल वाले, ठीक है ना। अच्छा ये तो हो गई बात किसकी, आइडोफॉर्म टेस्ट की, लेकिन आइडोफॉर्म टेस्ट के बारे में एक आपको बता दिया है कि दिस रिएक्शन इज नॉट गिवन इन NCERT। अल्कोहल में और कोई आइडो और कोई टेस्ट नहीं है, मतलब और कोई वो नहीं है, कहते कहते हैं नेम रिएक्शन नहीं है, लेकिन अल्कोहल का जो डियर फ्रेंड है ईथर, ईथर में है, ईथर में कौन सा है, एकमात्र रिएक्शन जिसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है ना। और विलियमसन सिंथेसिस जो है ये सेम रिएक्शन हेलोलगेन में भी है, विलियमसन सिंथेसिस 2 बार है, एक बार हेलोलगेन में है और एक बार किसमें बेटा जो है वो हेलोलगेन में भी है, ठीक है ना, हेलोलगेन में भी है। तो अगर आप क्या करते हो, आप ना एक हेलोलगेन में अगर आप ऐड कर देते हो RONA, किसी हेलोलगेन में क्या ऐड कर देते हैं RONA, तो ये माइनस ये प्लस, ये माइनस वाला इससे जुड़ा और क्या बन गया बेटा ROR बन गया। ROR क्या होता है, ईथर। ईथर बनाने के मेथड को ही क्या बोलते हैं, विलियमसन सिंथेसिस। दिस सेम रिएक्शन इज देयर इन हेलोअल्केन ऑल्सो एंड इन द, देखो बिकॉज इट इज अ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोअल्केन एंड इट इज ए प्रिपरेशन ऑफ ईथर, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोअल्केन एंड प्रिपरेशन ऑफ ईथर। बाकी इसमें बात यह है कि बड़ा ग्रुप जो है ना, मतलब टर्शरी ग्रुप यहां से लेना, प्राइमरी ग्रुप यहां से लेना, जैसे कोई ऐसा ईथर बना रहे हो अनसिमेट्रिकल सा, तो टर्शरी अल्काइल ग्रुप कहां से लेना होता है, RONA को बोलते क्या है, RONA को बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड, क्या नाम है, सोडियम एल्कोक्साइड। दिस इज द ओनली नेम रिएक्शन इन ईथर। लेकिन माइंड में और आ रहा है, मतलब एक और आया है, वो आया है वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट रिएक्शन, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन, ठीक है ना। अब ये फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन भी ईथर में है, फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन भी ईथर में है और हेलो अरीन में भी है, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हेलो अल्केन में भी है, हेलो अरीन में भी है। क्या होता है फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, बहुत डिटेल में आपको बताता हूं। इसमें क्या होता है कि जैसे ना बेंजीन है, बेंजीन में अगर मैं ऐड करता हूं कोई हेलो अल्केन, जैसे कि क्लोरोमीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, इससे बेंजीन के ऊपर CH3 आता है, इस रिएक्शन का नाम क्या है, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। इसमें अगर हम यहां पर इथाइल ग्रुप लोगे तो ऊपर भी क्या आ जाएगा, इथाइल ग्रुप आ जाएगा, अल्काइलेशन है ना, मिथाइलेशन इथाइलेशन, ये ऐसे नहीं आएगा। हमारे हमारे कोर्स में बेंजीन नहीं है, हमारे कोर्स में क्या है, हमारे कोर्स में है हेलो अरीन और ईथर, ठीक है। पहले ईथर की बात करता हूं, अब मैं कराता हूं आपको एग्जाम में, ऐसे पहले बहुत आता था फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन अगर हम एनी सोल का करवाएं, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन या अल्काइलेशन अगर हम किसका कराएं,
एनी सोल का कराएं, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन अगर हम एनी सोल का कराएं, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन ऑफ एनी सोल। अब एनी सोल क्या होता है जी, एनी सोल होता है बेंजीन के ऊपर एक कार्बन का ईथर, यानी कि मिथॉक्सी बेंजीन को ही क्या बोलते हैं, मिथॉक्सी बेंजीन को ही क्या बोलते हैं। अब मैंने आपको बताया है 10 बार बताया है कि जैसे बेंजीन पर ये ऑलरेडी ऊपर कुछ लगा हुआ है ना, बेंजीन पर ऑलरेडी ऊपर कुछ लगा हुआ है तो वो एक डायरेक्टर बन जाता है। क्या बन जाएगा बेटा वो डायरेक्टर। और मैंने आपको कसमें खिला खिला के याद करवाया है कि सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है भाई, हमारे दुनिया में फिलहाल कोई मेटा डायरेक्टर है ही नहीं। जब बेंजीन के ऊपर ऑलरेडी कुछ लगा हो फिर आप उसमें कुछ रिएक्शन कराते हो तब ऑर्थो पैरा डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट आता है, वैसे नहीं आता। जैसे देखो ऊपर मैंने अकेली बेंजीन का करवाया, तो जब ऊपर अकेली बेंजीन का कराया था तो नहीं आया ना ऑर्थो पैरा डायरेक्टर का, क्योंकि ऊपर कुछ था ही नहीं, डायरेक्टर कौन बनता। डायरेक्टर तो तब बनेगा ना जब ऊपर कुछ लगा हो, ठीक है। तो ऊपर लगा हुआ है AlCl3 है ना, सॉरी ऊपर लगा हुआ है कौन, मिथॉक्सी। मिथॉक्सी जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ये आ गया ऊपर OCS3 लगा रहेगा, डायरेक्टर थोड़ा हिलता है, डायरेक्टर जो है वो आने वालों को अब डायरेक्ट करता है कि भाई साहब आप यहां जाओ। तो मिथाइल कहां पर आ गया बेटा, ऑर्थो और पैरा पर। रिएक्शन का नाम क्या है, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ठीक है। एक छोटा सा रीकैप और करूंगा, थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि स्पीड ज्यादा है, लेकिन क्या है कि अब मौसम वो देखते हुए स्पीड ज्यादा रखनी पड़ेगी। हमारा टॉपिक जो हमने शुरू किया उसका नाम क्या है बेटा, टॉपिक का नाम है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनिक के सारे नेम रिएक्शन, ठीक है। और अल्कोहल चैप्टर से शुरुआत करी, अल्कोहल चैप्टर शुरुआत करी और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन मिला, सबसे अजीबोगरीब बेकार का रिएक्शन है, लेकिन फिर भी ये करता क्या है, ये एल्कीन से क्या बनाता है, अल्कोहल बनाता है, एल्कीन से अल्कोहल बनाता है। किसको, किस रूल के अकॉर्डिंग, एंटी मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग, और इसमें B2H6 और H2O2 ऐड करते हैं। लुकस टेस्ट क्या करता है, लुकस टेस्ट एक नेम रिएक्शन है लेकिन नाम है तो रबर टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करता है, टर्शरी के अंदर टर्बिडिटी आ जाती है, सेकेंडरी में, और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात हुई, फिर एक डिबेट हुई ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की कि भैया ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 3:1 बहुत जगह पे देखा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या रहता है, 3:1 रहता है। 3:1 कहां रहता है, 3:1 रहता है जहां पर कार्बोकटायन की फॉर्मेशन होती है। मतलब ये भी एक तरीका है पहचानने का कि इस रिएक्शन में क्या बन रहा होगा, कार्बोकटायन। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल हो, SN1 हो, एलिमिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो, सब में ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी क्या है, 3:1 है। उसके बाद आया एक ऐसा रिएक्शन जो NCERT में नहीं है लेकिन बहुत धूम मचा चुका है, उसका नाम है आइडोफॉर्म टेस्ट। वो एक स्पेशल अल्कोहल ही दे सकता है, CH3CHOH वाला, आयोडीन और NaOH ऐड करने पर वो बनाएगा येलो प्रेसिपिटेट, किसका, आइडोफॉर्म का। फिर हमने कहा ईथर भी देख लेते हैं, ईथर में जब ढूंढा तो हमें एक नेम रिएक्शन मिला बड़ा इंपॉर्टेंट जिसका नाम क्या है, विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। तो विलियमसन सिंथेसिस जो है वो ईथर बनाने के काम में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अगर आप अनसिमेट्रिकल ईथर बनाओगे तो अनसिमेट्रिकल ईथर बनाने के लिए आपको जो है उस केस में क्या करना पड़ेगा, ठीक है, आपको बड़ा ग्रुप ONA से लेना है। तो मैंने कहा और रिएक्शन ढूंढे तो रिएक्शन नहीं बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में हमने देखा तो भाई ये भी एक रिएक्शन होता है, नेम रिएक्शन, बेंजीन के ऊपर टॉलिन आ जाता है। अगर यही रिएक्शन आप किसका करा देते हो, एनी सोल का, तो ऑर्थो पैरा पे आता है। यही रिएक्शन अगर आप किसका करा देते हो, हेलोरीन का करा देते हो, तो भी सेम डायरेक्शन में ही होगा। यही रिएक्शन अगर मैं हेलोरीन का करवा दूं ना तो भी रिएक्शन जो है वो बिल्कुल ऐसे ही होगा, ठीक है। इसका नाम है सिंपल 2-methyl एनीसोल, एनीसोल था ना पहले इसका नाम, अभी भी इसका नाम क्या है, एनीसोल। हाँ कर सकते हैं, नहीं ये दोनों है, एनीसोल जो है ना इज ऑल्सो एक्सेप्टेड एज IUPAC नेम, ठीक है। और इसमें ये कोई हेलोरीन ले ली हमने, क्लोरो या ब्रोमो बेंजीन, और इसमें हमने CH3Cl ऐड करा। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, सारे ध्यान से सुनना, कि अगर मैं क्लोरो मीथेन में क्लोरो मीथेन और क्लोरो बेंजीन को जोड़ता हूँ, साथ में क्या ले लेता हूँ,
AlCl3 या FeCl3, ठीक है ना। तो उस केस में तो क्या होगा, ऊपर Cl लगा रहेगा क्योंकि वो एक डायरेक्टर है, जो ऊपर होता है वो क्या होता है, डायरेक्टर होता है, ऑर्थो पैरा पे क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, ठीक है ना। आसान लग रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्थो पैरा पे आ जाएगा। रखो जो मर्जी रखो, हमने कौन सा रखने हैं, हमें तो रखे हुए आएंगे, हमें तो चुनने हैं, सही बात नहीं है, हमने कौन सा नाम रखने हैं, हमें तो चुनने हैं, हमें कौन से, वो पता लग जाता है बंदे को, है ना। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग बात ये है, रिएक्शन की बात चली इतना, एक एक तरह से ऐसे चल रहा है जैसे अंताक्षरी नहीं खेलते कि यार जहां से छूटा वहां से छोड़ दिया जैसे। अब देखो, हालांकि वुड्स फिटिंग रिएक्शन इस चैप्टर का नहीं है, लेकिन ना इसके जैसा है, इसके जैसे वुड्स फिटिंग रिएक्शन में आप मानेंगे के वुड्स फिटिंग रिएक्शन में रिएजेंट सेम है, मतलब जो रिएक्टेंट है वो सेम है। ये देखो, क्लोरोबेंजीन और क्लोरोमीथेन, बट दिस टाइम सोडियम इज टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इस बार डायरेक्टर ट्रूटर का चक्कर नहीं है क्योंकि इस बार हमने लुईस एसिड नहीं लिया, ठीक है, नो कड़ाके प्लीज। तो यहां से ऐसे जो है ना, ये दो सीएल बाहर करेगा कौन, दो एनए, और बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा, CH3, है ना। कंट्रास्टिंग रिएक्शन, और इंटरेस्टिंग बात नहीं है बड़ी कि भैया रिएजेंट वही है, ऐसे तो आते हैं पेपर में कि बोलेंगे जी क्लोरोमेंजीन और क्लोरोमीथेन में हमने एनहाइड्रस AlCl3 करा तो एक बना, फिर हमने उसमें सोडियम ऐड करा तो ये बना, और रिएक्शन का नेम रिएक्शन भी है, बाई चांस की बात है, ऊपर वाला भी नेम रिएक्शन है, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, और नीचे वाला भी क्या है, गुड्स रिएक्शन, गुड्स फिटिंग रिएक्शन, ठीक है ना। अब जब वुड्स फिटिंग की बात होती है तो फिर वुड्स और वुड्स की भी, वुड्स की भी बात कर लेते हैं, किसकी, ये हमारे हेलोरीन के शुरू हो गए साथ, हेलोल्केन के शुरू हो गए। तो वुड्स रिएक्शन की बात अगर हम करें, बच्चे बच्चों को पता है 11th क्लास में भी था ये एक हेलोल्केन होता है, बीच में क्या लिख देते हैं और उसको उल्टा करके लिख दो, तो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर हमें क्या मिलेगा, आर आर। नहीं, ड्राई ईथर अलग केमिकल है, हाँ, और ये बन जाएगा आर, ये बनाता है हाइयर एल्केन, हाँ, क्योंकि सोडियम को ड्राई ईथर ही चाहिए, सोडियम नहीं तो मॉइस्चर से रिएक्ट करता रहेगा, अपना काम तो करेगा नहीं, और किससे रिएक्शन करता रहेगा बेटा। तो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन बच्चों आ रहा है, वुड्स फिटिंग के बाद कौन सा बनता है, फिटिंग रिएक्शन बनता है, ठीक है ना। तो फिटिंग रिएक्शन जो है वो बिल्कुल वुड्स की तरह ही है, बस उसमें दोनों के दोनों क्या लेने होते हैं, हेलो अरीन लेने होते हैं, ठीक है ना, ऐसे करा देता हूँ, चलो ये ऐसे लेटी हुई बेंजीन बना देते हैं, ठीक है ना। और इसमें हेलो अरीन है, इसमें क्या ऐड करेंगे हम, अगेन 2NA, और ये मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में ही आने के चांसेस ज्यादा हैं। नेम रिएक्शन तो देखो बहुत ज्यादा आते ही थे, जब सब्जेक्टिव होता था तो बच्चों को, जो बच्चे हिम्मत हार जाते थे ऑर्गेनिक में, उनको बोलता था भैया नेम रिएक्शन कर ले 10-12, और टोटल ना पूरी ऑर्गेनिक में मिला के 28 है, तो बच्चों को बोलते थे भैया यही कर लो, 28 नेम रिएक्शन है, बहुत बनते हैं भाई, क्यों नहीं बनेंगे, आप थोड़ा सा फोकस होके पढ़ोगे तो क्यों नहीं बनेंगे। अगर आप नेगेटिव थिंकिंग लेके चलोगे तो नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव थिंकिंग लेके चलोगे तो पॉजिटिव होगा। ये ना इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है जैसा आप सोचोगे वैसे ही होगा, ठीक है ना। वो पेपर बहुत मुश्किल आएगा तो मुश्किल ही आएगा, आपको मुश्किल लगेगा, ठीक है ना। तो थिंक पॉजिटिव थिंक्स, आप अपनी तरफ ही अपनी मुसीबतें अट्रैक्ट कर रहे हो, अगर आप डर के जा रहे हो एक्सीडेंट हो जाएगा ना, फिर हो ही जाएगा, दूसरा बंदा कह रहा नहीं होगा ना यार बोल्ड है चल तू ध्यान से चलाइयो बस, तो नहीं होगा फिर। अच्छा, अब उसके बाद जो है बच्चों और बताओ, ये तो हो गया वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, और ट्वाटा फिटिंग रिएक्शन भी हो गया, ठीक है ना, ये लो ठीक है, ये हो गया हमारा वुड्स फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग भी हो गया, ठीक है। और बताओ अभी हम, ठीक है ना, वो हेलोरिन की प्रिपरेशन में आते हैं, तो और देखते हैं आगे कौन सा बोला बच्चों मैंने आपको, स्वार्ट्स रिएक्शन और फिंकल स्टेन रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन और फिंकल स्टेन रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन जो होता है ना, वो स्पेशल जो है वो फ्लोरो अल्केन बनाने के लिए बनाया, क्योंकि ना फ्लोरो अल्केन बनाने का और कोई मेथड ही नहीं है, फ्लोरो अल्केन बनाने का और कोई मेथड ही नहीं है, कोई भी क्लोरो ब्रोमो हेलो, ये हैलाइड एक्सचेंज क्या है, ये कैसा रिएक्शन है, ये ऐसे भी हो सकता है, स्वार्ट्स रिएक्शन मैच द फॉलोइंग हलाइड एक्सचेंज, ठीक है ना, हलाइड एक्सचेंज, हेलोजन के बदले में दूसरा हेलोजन, कौन कौन फ्लोरो दे सकता है, Hg2F2, मर्क्यूरिक फ्लोराइड, एंटीमनी ट्राई फ्लोराइड, CoF2, कोबाल्ट फ्लोराइड और AgF,
इन सब का काम है कि ये क्लोरो ब्रोमो की जगह पे क्या आ जाता है, फ्लोरो आ जाता है। बाय प्रोडक्ट से हमें कोई खास मतलब होता नहीं है। Hg2F2, ठीक है ना, SbF3, इन सबका काम क्या है, फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स। ये सब क्या है, फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स, ठीक है। स्वार्ट्स रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लोरोवल्केन बनाने के काम में आता है। रिएक्शन क्या है, हलाइड एक्सचेंज का। हलाइड एक्सचेंज का एक और नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जिसका नाम है फिंकलस्टेन रिएक्शन। ये भी हलाइड एक्सचेंज का है। फिंकलस्टेन रिएक्शन भी जो है ना, वो भी हलाइड एक्सचेंज में आता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लेते हैं फिर अगेन कोई, ये आइडो बनाने के लिए, ये स्पेशली जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा था तो वो फ्लोरो बनाने के लिए स्पेशल था। ये किसको बनाने के लिए स्पेशल है, आइडो बनाने के लिए ये स्पेशल है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें लेते हैं क्लोरो या ब्रोमो, और इसमें हमने क्या ऐड करना है, NaI, और साथ में क्या लेना है बेटा, ड्राई एसीटोन, ठीक है। साथ में क्या लेंगे बेटा, ड्राई एसीटोन। तो ड्राई एसीटोन जब बच्चों हम साथ में लेंगे तो उस केस में ना यहां पर क्लोरो ब्रोमो हटेगा, बदले में क्या आ जाएगा, आइडो। तो ये क्या बन के आ गया है, ये बन के आ गया है एक आइडो अल्केन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक और हलाइड एक्सचेंज वाला रिएक्शन है। ये भी कौन सा है, हलाइड एक्सचेंज, ठीक है ना, दिस इज ऑल्सो हलाइड एक्सचेंज। भाई एक हेलोजन के बदले में दूसरा हेलोजन आ रहा है ना, तो इसे भी क्या बोलोगे आप, हलाइड एक्सचेंज बोलोगे, ठीक है। फिर उसके बाद एक और प्रिपरेशन, ये तो प्रिपरेशन थी हेलो अल्केन की, ठीक है। अगर हम चलेंगे कहां पर, हेलो अरीन की, तो हेलो अरीन में आता है एक तो कौन सा, डाइजोटाइजेशन में क्या होता है, एनिलीन लेते हैं बेटा। एनिलीन क्या है, बेंजीन के ऊपर NH2, इसमें क्या ऐड करते हैं, NaNO2 प्लस HCl, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो क्या होता है, ये वाला N और ये वाला Cl, ये इकट्ठे जुड़ जाते हैं और बेंजीन के ऊपर क्या आ जाता है, N प्लस ट्रिपल बॉन्ड NCl माइनस। क्या नाम है, बड़ा धमाल कंपाउंड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये जो डाइजोटाइजेशन है, ये वाला रिएक्शन भी फिनॉल की प्रिपरेशन में भी आता है, क्योंकि इसमें वाटर ऐड कर देंगे ना बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में, तो फिनॉल बन जाएगा। और अगर हम इसमें क्या ऐड कर देंगे, ये चलो इसी में ही सेंड, मेरा दिमाग में आ गया तो यहीं कर देता हूँ, Cu2X2 लिख देता हूँ, है ना, Cu2X2 इन द प्रेजेंस ऑफ HX। ये वाला जो आगे जा रहा है ना रिएक्शन, हाँ सेम होने चाहिए। ये वाला एक्स भी सेम ही कर देना यहाँ पर, है ना, और यहाँ आ जाएगा सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन में क्या होगा, हेलोरीन बन जाएगा, मतलब डाइजोनियम क्लोराइड या ब्रोमाइड से क्या बन जाएगा बेटा, हेलोरीन बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे, ठीक है। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ग्रिगनार्ड रिएजेंट क्यों ना इसको भी एक नेम रिएक्शन में ही ले लिया जाए। सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन इसकी देखो, यहां पर लिख देता हूं इसकी प्रिपरेशन, और इस तरफ लिख दूंगा केमिकल प्रॉपर्टी। किसी हेलो अल्केन में मैग्नीशियम ऐड करने पर इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर Mg चले जाता है RX के बीच में और बन जाता है क्या, RMgX, ठीक है। इसमें ना क्या होता है कि अब RMgX का नाम क्या होता है बेटा, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट जो है वो ये बन जाता है, कोई बात नहीं। अब आगे की बात ये है कि इसमें अगर आपको बनाना है, ठीक है, ये क्या करता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट, क्या करता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट, GR लिख रहा हूँ, ग्रिगनार्ड रिएजेंट प्रिपेयर्स
या प्रिपेयर फिनॉल अल्कोहल्स, ठीक है ना, इसका यूज क्या है कि ये क्या बनाता है, अल्कोहल्स बनाता है, प्रिपेयर अल्कोहल्स। तो कैसे बनाता है बेटा, अगर आपको मीथेनल ले लेते हो आप, ये क्या है मीथेनल, जिसका दूसरा नाम क्या होता है फॉर्मल्डिहाइड, मीथेनल जिसका दूसरा नाम क्या है बेटा फॉर्मल्डिहाइड ले लेते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट आर MgX और साथ में वाटर, तो यू विल गेट 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, यू विल गेट 1 डिग्री अल्कोहल। तो याद कर रखोगे कि ये कॉम्बो समझ लो, कॉम्बो समझ लो कि मिथेनल या फॉर्मल्डिहाइड में आर एम जी एक्स और वाटर ऐड करोगे तो क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। और अगर आप कोई भी और एल्डिहाइड ले लेते हो, ठीक है ना, तो 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। अब अगर आपको 2 डिग्री अल्कोहल बनाना है, ठीक है, टेक एनी एल्डिहाइड, टेक एनी एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, देन यू विल गेट सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है, यू विल गेट सेकेंडरी अल्कोहल। दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल, दिस इज व्हाट, एनी एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। एंड इफ यू वॉन्ट टू प्रिपेयर विच काइंड ऑफ एल्कोहल, टर्शरी एल्कोहल, देन यू हैव टू टेक व्हाट, कीटोन्स, ठीक है, कीटोन्स ऑन रिएक्शन विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट गिव्स टर्शरी एल्कोहल। ओके, सो दिस इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, तो देखो ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट कैसे बनता है भाई, RX में Mg और ड्राई इथर करने पे बनेगा। और ये क्या करता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट, क्या करता है, अल्कोहल बनाता है। मिथेनल लोगे तो कौन सा बनेगा, 1 डिग्री। अब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पहचान लोगे ना, टू डिग्री के लिए कोई भी एल्डिहाइड ले लेते हैं और टर्शरी के लिए क्या ले लेते हैं बेटा, कीटोन ले लेते हैं, ठीक है ना। दिस इज हाउ दिस ग्रिगनार्ड रिएजेंट इज रियली यूजफुल। अब जो रह गए हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस रह गए हैं, जिसमें से एक बच्चों कौन सा है हमारा, सबसे पहले कॉल्ब कर लेते हैं, एनसीईआरटी में भी पहले कॉल, पहले कॉल्ब्स रिएक्शन, ठीक है ना। कॉल्ब्स रिएक्शन क्या करता है, कॉल्ब रिएक्शन का काम है फिनॉल को सैलिसाइलिक एसिड में चेंज करना। फिनॉल में पहले NaOH, फिनॉल में पहले NaOH, जिससे कि बेंजीन के ऊपर आ जाता है ONa, और फिर जब इसमें आप CO2 और हाइड्रोलिसिस करोगे देन यू विल गेट सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है। तो कॉल्ब रिएक्शन गिव सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड का IUPAC नेम भी याद रखना, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। टू हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड कॉल्ब रिएक्शन क्या देता है, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड देता है, और इसका एक और नाम क्या है, सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है। और लास्ट नेम रिएक्शन अब जो रह गया वो हम करेंगे, इसका नाम है रिमर-टीमन रिएक्शन, ठीक है, रिमर-टीमन रिएक्शन। रिमर-टीमन रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें लेते हैं फिनॉल और साथ में क्लोरोफॉर्म और NaOH। तो पहले
इसमें ये बेंजल क्लोराइड वाला इंटरमीडिएट बन जाता है, बेंजल क्लोराइड वाला इंटरमीडिएट ये वाला, इसको बेंजल क्लोराइड कहते हैं। कल मैं किसी को हाईलाइट कर रहा था, और फिर जब इसमें तुम आगे NaOH वगैरह करते हैं, NaOH और हाइड्रोलिसिस करते हैं इसमें आगे, तो हमें मिलता है सैलिसाइल एल्डिहाइड, ठीक है ना, सैलिसाइल एल्डिहाइड। ऊपर OH लगा रहता है और यहाँ पर क्या आ जाता है CHO। तो कॉल्ब रिएक्शन से क्या बनता है, कॉल्ब रिएक्शन से तो बनता है सैलिसाइलिक एसिड, और रीमर-टीमन रिएक्शन से क्या बनता है सैलिसाइल एल्डिहाइड, ठीक है। तो टू हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, टू हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या है, सैलिसाइल एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये थी बच्चों नेम रिएक्शन की बेस्ट वीडियो।